नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। सीधे आपको हम आजमगढ़ लिए चल रहे हैं, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। यहां पर एक नई यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है। मैं योगी आदित्यनाथ जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि ही उत्तर प्रदेश की भूमि पर परदेशी आक्रांताओं को खदेड़ने का काम महाराज सुहेलदेव जी ने किया था। अगर ये यूनिवर्सिटी का नाम हम उनके नाम पर रखते हैं तो ये लोगों के लिए बहुत बड़ा संदेश। मुझे विश्वास है मित्रों, योगी जी उस जमाने में आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से लड़कर इस देश की भूमि को परकीय आक्रांताओं से बचाने का काम करने वाले महाराज सुहेलदेव जी के नाम से ये यूनिवर्सिटी करेगी। मित्रों, हमने कहा था 2017 में जब हमारा घोषणा पत्र बनाया, हमने कहा था कि 10 नए विश्वविद्यालय बनाएंगे और आज मैं जब यहां आया हूं तब 10 विद्यालय बनाने का काम आज पूरा हो गया है। शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह अलीगढ़, राजकीय विश्वविद्यालय आजमगढ़, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विद्यालय लखनऊ, विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज, खेल विश्वविद्यालय मेरठ, यूनाइटेड विश्वविद्यालय प्रयागराज, गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर, एफएसएल यूनिवर्सिटी और पुलिस एवं फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। मित्रों, 40 मेडिकल कॉलेज बनाने का हमने वादा किया था। उस वक्त 10 मेडिकल कॉलेज 70 साल में बने थे। अब मोदी जी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज मैं आपको बताने आया हूं 40 मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा भी हम पूरा कर रहे हैं। कई सारे कॉलेजेस खोले गए, कई सारे नए नए शिक्षा संस्थान खोले गए। उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की, जिसमें 75,000 से अधिक ई कंटेंट उपलब्ध है। पाठ्यक्रम नए बनाए जा रहे हैं और मोदी जी जो नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं उसको अमली जामा पहनाने का काम भाई धर्मेंद्र प्रधान का है। मगर मुझे आनंद है कि योगी जी नई शिक्षा नीति को मोदी जी के स्पिरिट के हिसाब से उत्तर प्रदेश में भूमि पर उतारने का काम कर रहे हैं। मित्रों, ये 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ढेर सारा परिवर्तन किया है। यहां पर पहले जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण का राज चलता था, सबको न्याय नहीं मिलता था। आज योगी जी ने यहां पर जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण पर पूर्ण विराम करने का काम कर दिया। और 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। मेरी बात आप जरूर ध्यान से सुनिएगा मित्रों। पे 2017 के पूर्व उत्तर प्रदेश देश की 6 अर्थव्यवस्था थी। कौन सी अर्थव्यवस्था थी? जोर से बोलो, कौन सी? आज देश की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा उत्तर प्रदेश बना है। प्रदेश का जीडीपी 10,90,000 करोड़ था, आज 21,31,000 करोड़ करने का काम। बेरोजगारी का दर 70.5% था, कम करते 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 4.1% पर रहा है। मेडिकल कॉलेज 10 थे,
आज 40 है मेडिकल कॉलेज, सीटें 1200 थी आज 3800 है। मित्रों, ढेर सारा किसानों का अनाज धान खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। इसके कारण धान और अनाज के उत्पादन में भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। पहले उत्तर प्रदेश में 4 हवाई अड्डे थे, अब 8 है। आधे अधूरे 2 एक्सप्रेसवे थे, 5 नए बन चुके हैं। और मित्रों, सबसे बड़ा काम अगर भाजपा के शासन में हुआ है तो उत्तर प्रदेश को माफिया राज से मुक्ति दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ ने। आजमगढ़ इसका उदाहरण है। केराना से लोग पलायन कर रहे थे, बच्चियों की उच्च शिक्षा नहीं हो पाती थी। आज मैं गर्व के साथ पूरे देश भर के अंदर कहता हूं कि माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं। यहां माफिया का राज नहीं है, कानून का राज। हजारों एकड़ सरकारी भूमि माफिया हजम कर बैठ गए थे। योगी जी ने कठोरता के साथ इसको खाली कराकर वो भूमि को विकास के काम में लगाने का काम किया है। मित्रों, गरीब कल्याण के लिए ढेर सारी सुविधाएं मोदी जी ने जो भेजी, योगी जी ने इसको जमीन पर उतारा है। ढेर सारे लाखों की संख्या में घर बने, घर में बिजली पहुंची, घर में शौचालय बने, घर के अंदर 5 लाख तक का स्वास्थ्य के बीमा का कार्ड हर गरीब को देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और साथ ही साथ अब हर घर में शुद्ध पीने का पानी भी पहुंचाने का काम हो रहा है। मित्रों, बहुत बड़ा डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश को मोदी जी ने दिया है। कल ही रक्षा मंत्री और योगी जी ने मीटिंग कर बहुत बड़े डिफेंस के कारखाने यहां आए, इसके लिए भूमि तैयार करने का काम। मित्रों, मोदी जी ने एक जैम लाया है जिससे भ्रष्टाचार विहीन खरीदी हो सके। उसका आधार क्या है? जे का मतलब है जन धन बैंक अकाउंट, ए का मतलब है आधार कार्ड, और एम का मतलब है हर आदमी को मोबाइल। अब जब मैं कहीं बोला ऐसा गुजरात में, तो एक समाजवादी पार्टी के नेता बोले हम भी जैम लाए हैं। मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा। मैंने एक पत्रकार को पूछा कि भाई ये कौन सा जैम लाए है, जरा जांच करो। तो उसने कहा आपको मालूम नहीं है? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कहा उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुक्ता। अब भाई आप मुझे बताओ, आपको भाजपा का जैम चाहिए या समाजवादी पार्टी का चाहिए? ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकते। जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टीकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे हैं। मैं इतनी बड़ी भीड़ में बहुत सारे माइनॉरिटी के भाई बहन बैठे हैं, कोई आदमी ऐसा है जिसको जिन्ना में महान व्यक्ति की नजर आती है? कोई है? अबे अखिलेश जी को लगता है भाई, क्योंकि चुनावी मौसम आया है। मगर मैं अखिलेश जी आपको एक बात कहता हूं, मैं योगी सरकार को एक सर्टिफिकेट देकर जाना चाहता हूं। उन्होंने पूर्वांचल को मच्छर और माफिया दोनों से मुक्त कर दिया। यहां आप सफाई भी नहीं कर सकते थे, सफाई नहीं करते थे, मच्छरों का शासन था। गोरखपुर पूरा पूर्वांचल दिमागी बुखार से, दिमाग के बुखार से बच्चे मारे जाते। मोदी जी के स्वच्छता के अभियान को
योगी आदित्यनाथ ने जमीन पर उतारा और स्वच्छता अभियान के कारण मच्छर मुक्त पूर्वांचल बनाने का काम किया। और माफिया जिस प्रकार का शासन चला, उत्तर प्रदेश के बाहर अपने घर ढूंढने लगे हैं, वो भी उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए। मित्रों, मैं जब यहां पर आया हूं तब आपने दो बार मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया ना भाई, जरा जोर से बोलो, दिया है नहीं दिया? उत्तर प्रदेश ने मोदी जी को दो बार पूर्ण बहुमत वाला प्रधानमंत्री बनाया। और मोदी जी भी देखिए साहब, उत्तर प्रदेश से ही गए हैं, काशी से चुनकर जाते हैं, और उन्होंने देश भर के 60 करोड़ गरीबों के कल्याण का कार्यक्रम हाथ में लिया। 60 करोड़,